हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डे के लर्निंग पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित है उसमें एनसीईआरटी प्रश्नों के अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ अलग से हार्ड क्वेश्चन भी लेकर चलूंगा। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ना केवल एनसीईआरटी बल्कि आप और बुक के भी, हाई स्कूल के जो और गणित की बुक है उससे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो बच्चों, पहला जो मतलब पाठ है हाई स्कूल गणित में, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, तो चलो बच्चों, अब हम लोग पहला पाठ गणित का स्टार्ट करते हैं। पहले पाठ का नाम जो है वह है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थी, वास्तविक संख्याएं हाई स्कूल गणित का पहला पार्ट, चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। तो हाई स्कूल गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। यह इस चैप्टर का यल फर्स्ट है। यल फर्स्ट का मतलब लेक्चर फर्स्ट है। बच्चों, आज की क्लास में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितनी तरह की होती हैं और किस किस टाइप की संख्या होती है, ऐसा बात समझना है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें, वह है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी जो हेडिंग आएगी बच्चों, वह होगी पूर्ण संख्याएं। क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। तीसरी जो हेडिंग आएगी इसमें, वह होगी पूर्णांक। चौथी जो हेडिंग आएगी वह होगी परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। अगली जो हेडिंग होगी वह होगी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अगला जो हेडिंग होगा वह होगा वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, जो पाठ का नाम है वो आपको यहां पर समझाया जाएगा क्रम से, ठीक है। और अंत में आएगा आपका अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं। तो आज की क्लास में हम यह पूरा चीज समझेंगे। हमारे सामने होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। इन सभी तरह की संख्याओं को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और एक बात और ध्यान दे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में भी मैं आपको कई तरह की संख्या समझाऊंगा, जिसमें से हो जाएगा समप्राकृतिक संख्याएं। क्या? समप्राकृतिक संख्याएं। फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याएं। तीसरा जो हमारा होगा वह होगा यौगिक या भाज्य संख्याएं। चौथा जो होगा वह होगा रूढ़ या अभाज्य संख्याएं।
और इसमें एक और मैं आपको समझाऊंगा जो कि आपका पांचवा नंबर होगा। देखिए सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, यौगिक व भाज्य संख्याएं, ऋण या अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसके बाद एक और होगा सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब बच्चों मैं सभी डेफिनेशन को अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं सबसे पहला हेडिंग आपको समझाने जा रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। नंबर से मैं लिख सकता हूं। तो प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बस ध्यान दें, जो संख्याएं गिनने के प्रयोग में काम आती हैं या जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। मैं क्या बोला? जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई किसी चीज को गिनना हो तो बोलते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं से कोई चीज गिना जाता है उन्हें ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं। मैंने जो बोला वो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अभी डॉट डॉट का मतलब ऐसे यह आता जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि कोई चीज गिनते हैं तो एक भी मिल जाता है। दो प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर कितने हैं, 1, 2, तो हमने इसको गिना तो ये 2 जो है प्राकृतिक संख्या। ऐसे 3 प्राकृतिक संख्या होगा, 4 भी होगा, इस तरह से ढेर सारा, मतलब अनंत तक आपको ऐसे जा सकते हैं। तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा है और आप सभी इसको समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। अब होल नंबर W बराबर क्या आएगा? देखो मैं ये लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस तरह से। तो आप कहेंगे अभी इसी को आपने प्राकृतिक संख्या बता दिया, अब इसी को होल नंबर बोल रहे हो। जी ये पूरा प्राकृतिक संख्या ही है, बस इसमें क्या का शामिल कर लीजिए आप? शून्य शामिल कर लीजिए। अगर आप इसमें शून्य शामिल करते हैं या पूरा का पूरा जो नंबर बन जाएगा वह क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्याएं। मतलब एक पूर्ण भी हो जाएगा, प्राकृतिक तो पहले से था, दो भी पूर्ण हो जाएगा, प्राकृतिक पहले से था। शून्य शामिल करने के बाद सब के सब पूर्ण बोले जाते हैं, यह ध्यान दीजिए। तो परिभाषा क्या होगी पूर्ण संख्याओं की? सुने, ध्यान से सुने। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है वो पूर्णांक। अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर, इसे हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये पूरा पूरा पूर्ण संख्या है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ाया आपको। अब इसी में ऋणात्मक संख्या शामिल कर दीजिए, 1, -1, -2, -3 माइनस है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अभी यहां से यहां तक क्या था? यहां से यहां तक था पूर्ण संख्याएं।
अब इन पूर्ण संख्याओं में हमने किसको शामिल किया? ऋणात्मक संख्याओं को। तो क्या डेफिनेशन होगी पूर्णांक की? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमेय। देखिए प्राकृतिक की अभी ये जो पार्ट है मैं अभी समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है, ध्यान दें। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? मतलब हर वह संख्या जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके। अभी डेफिनेशन बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा, पहले समझिए। हर वह संख्या जिस संख्या को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं वह सबका सब परिमेय संख्या कहलाता है। अब जरा देखें इसमें p और q का मतलब क्या होता है। तो देखिए P का मतलब होता है, P और Q का मतलब, जो P और Q हैं, ये ऑलवेज क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक। मतलब P और Q की जगह हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए और Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या है? अभी आपने लिखा था यहाँ पर, अभी अभी इसके पहले पढ़ा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट-डॉट इस तरह से इधर, इस तरह से डॉट-डॉट इधर। तो अब जरा ध्यान दें, P की जगह इनमें से कोई सा भी एक आप रख लीजिए। मान लीजिए P की जगह 5 रखा, P और Q दोनों पूर्णांक था, तो Q की जगह भी कुछ रख लीजिए, मैंने 2 रख दिया। तो ये जो आया P की जगह 5 रखने पर 2 और Q की जगह, सॉरी P की जगह 5 रखने पर ये और Q की जगह 2 रखने पर मिला आपको क्या? 5/2। ये 5/2 जो है वह परिमेय संख्या है। और एग्जांपल्स ले, मान लीजिए P की जगह मैंने लिखा -3 और Q की जगह मैंने क्या लिखा? केवल 4। तो ये आपका जो -3/4 है यह एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए P की जगह मैंने लिखा 5 और Q की जगह मैंने लिखा -3, तो यह जो बना यह भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। मान लीजिए मैंने P की जगह लिखा -10 और Q की जगह मैंने लिखा कितना? 3, तो यह भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। तो आई होप कि आपने परिमेय संख्या को भी अच्छे से समझ लिया है। अब परिभाषा क्या होगा मैं बोल रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुने, समझे और लिखे। देखिए जो संख्याएं, क्या बोला मैंने, जो संख्याएं p by q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जो संख्याएं p by q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक हो, फिर से पूरा सुन ले, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक हो और q कभी जीरो ना हो। मतलब अगर इसकी जगह आप जीरो रख देंगे, ठीक है, यहां जीरो और ऊपर कोई सा भी नंबर रख देंगे, तो 2/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि q कभी जीरो ना हो। तो क्या p जीरो हो सकता है? जी हाँ, p बिल्कुल जीरो हो सकता है। p की जगह आप जीरो रख दें, क्योंकि पूर्णांक में जीरो आता है ना, p और q पूर्णांक है, तो इसकी जगह तो जीरो आ सकता है। और q की जगह कुछ भी लिख दो, तो 0/5 जो है वो परिमेय संख्या है, बट 2/0 या 5/0 या फिर कोई सा भी चीज रहे जिसके नीचे जीरो रहे वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और सीखें। अब देखिए कुछ डाउट्स इसके यहाँ पर और हम क्लियर करके तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो कुछ डाउट्स और हैं उनको हम क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ध्यान दें,
मान लीजिए हमने लिखा दो, आपसे पूछूं क्या यह परिमेय संख्या है, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जी सर नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह तो पी बटा क्यू के रूप में ही नहीं है। तो ध्यान दे बच्चों, आपको यह पता है कि जिस संख्या के हर में कुछ नहीं होता उसके हर में एक लिखा जा सकता है, अब तो यह पी बटा क्यू के रूप में आ गया, अर्थात दो जो था वह एक परिमेय संख्या है। ऐसा शून्य का पूछा जाए वह भी है, क्योंकि इसके नीचे भी आप एक लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दें कि यह सब संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब उन संख्याएं पूर्णांक प्राकृतिक सब परिमेय हो सकती हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसके डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप ध्यान दें, पूरा मैं समझा दूंगा, एक बार फिर से रिपीट जरूर करूंगा। तो बच्चों अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ध्यान दें, अपरिमेय संख्याएं, तो जिस संख्या को p by q के रूप में लिखा ही ना जा सकता हो, मतलब जिस संख्या को p by q के रूप में लिखा ना जा सकता हो, p और q पूर्णांक उसमें होते ही आपको पता है, जिस संख्या को p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वही अपरिमेय होती है, और यह ज्यादातर करणी वाली संख्या होती है। जैसे रूट टू को पी वाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसे इसका जब मान निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो कभी एंड नहीं होगी, इसलिए हम इसे कभी पी वाई क्यू के रूप में बना नहीं सकते हैं। रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट सेवन बाई फाइव हो जाएगा, रूट आपका सेवन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ये, और पाई भी, पाई जो होता है इसका वैल्यू 22 बटा 7 होता है, आपको लगता है कि 22 बटा 7, ध्यान दें एक बार, ध्यान दें 22 बटा 7 कहीं अलग से लिखकर पूछा गया तो वो परिमेय हो सकता है क्योंकि लिखा गया है, बट अगर पाई पूछा गया तो पाई आपका जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान दें, ठीक है, पाई परिमेय संख्या नहीं होती, उसकी वैल्यू 22 बटा 7 होती है, 22 बटा 7 कहीं और लिखा है तो परिमेय हो सकता है, ठीक है, ध्यान दें। तो ये रूट में जितनी भी संख्याएं हैं वो परिमेय नहीं होती, वो सब अपरिमेय होती हैं, पाई भी अपरिमेय होता है। तो अब एक और क्वेश्चन आपसे, क्या रूट फोर अपरिमेय है? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे यस ये अपरिमेय है। नो बच्चों, ये अपरिमेय नहीं है, क्यों? क्योंकि चार का वर्गमूल दो, अब तो ये करने के बाहर आ गया, तो रूट कहां से हुआ? तो आप ध्यान दें कि जो रूट में लिखा है क्या उसे करने के बाहर निकाला जा सकता है? अगर निकाला जाएगा उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो थोड़ा समझकर और अच्छे से सीखकर तब आप आगे बढ़े, ठीक है। चले, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? बहुत ही ध्यान से समझें, व्हाट इज द रियल नंबर, मैंने इनकी अंग्रेजी नहीं बताई, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसे बोलते हैं रियल नंबर, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, ध्यान दें, वो सभी संख्याएं जो या तो परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय होती हैं, मैंने क्या बोला, वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय होती हैं क्या कही जाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कही जाती है, ठीक है, मतलब 2/3 आपका वास्तविक होगा तो √5 भी वास्तविक होगा, -2 वास्तविक होगा तो 0 भी वास्तविक होगा, मतलब वास्तव में जो संख्याएं हैं वही तो वास्तविक में वास्तविक होती ना, वास्तव में 2/3 भी हमें जीवन में देखने को मिलता है, √5 भी जीवन में देखने को मिलता है, -2 भी, जैसे जल का टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा तो माइनस में आएगा, यह भी जीवन में देखने को मिलता है, तो रियल में है और यह 0, तो हमें जब कुछ सब कुछ खत्म तो उसे किससे डाउनलोड करते हैं, 0 से, यह भी रियल में है, इसलिए यह सब क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर की परिभाषा क्या होगी बच्चों? वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हैं या फिर
अपरिमेय है, क्या बोली जाती है, वास्तविक संख्याएं बोली जाती है। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो गया। अब अवास्तविक संख्याएं, सीधी सी बात, सीधी सी बात, तो बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वो वास्तविक होती हैं। अर्थात जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिल जाए वह होती हैं वास्तविक संख्याएं, सॉरी अवास्तविक संख्याएं। जैसे मान लीजिए एक संख्या x है, इसका वर्ग कर दें और हमको मिल जाए -5, तो ये जो x है उस कंडीशन में क्या होगा, अवास्तविक। मैंने मान लिया कि हमारी संख्या x है और इसका वर्ग कर दिया, उत्तर कितना मिला -5, तो ये जो x है वो हमारा अवास्तविक होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उधर भेज दिए, करणी में गया, तो करणी में क्या आया, माइनस में। तो अवास्तविक के लिए बस इतना ध्यान दे कि जो संख्याएं करणी में ऋणात्मक, मतलब करणी में जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वो पूरा संख्याएं क्या होती हैं, अवास्तविक। क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं। इनके बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर, समवृत्त संख्या करके क्लास 11th में एक चैप्टर होता है गणित में, उसमें हम समझते हैं। ठीक है, तो जिस मतलब करणी में अगर कभी माइनस दिख गया तो वो आपका वास्तविक नहीं बल्कि अवास्तविक संख्या होता है बच्चों। और ध्यान दे, हम अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में जो द्विघात समीकरण है वहां वास्तविक और अवास्तविक की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब करणी में माइनस में कोई संख्या आ जाए तो मान लेना वो वास्तव में नहीं होता, वो कैसा होता है, अवास्तविक। उसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उसकी सिर्फ इमेजिन की जा सकती है, अर्थात वह इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए भाई, आपने इसे समझ लिया, एक बहुत ही फास्ट मतलब ढंग से हम इसे फिर से एक बार समझते हैं। प्राकृतिक क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर, मतलब एक परिवार में शून्य को ला देने पर, वो परिवार कौन सा है, प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें शून्य को ला देने पर मिल जाए जो संख्या, वह होता है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक, अब इस पूर्णांक वाले परिवार में, सॉरी पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं भी शामिल कर दें तो जो मिलता है वह आपका पूर्णांक होता है। इसको भी समझाया गया था मैंने। परिमेय, ऐसी संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सकता है, p और q पूर्णांक हो, p और q हमेशा पूर्णांक हो और q कभी जीरो ना हो, वो सब परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय, जिनको p बटा q के रूप में लिखा ही ना जा सके, अर्थात वो सभी करणी वाली संख्या होती, सभी करणी वाली संख्याएं अपरिमेय होती है, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान दे। लेकिन अगर करणी में कोई संख्या लिखा है उसका वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दे वह आपका परिमेय हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक होती है, और जो परिमेय है वो पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक चरों होता है। ठीक है, और अवास्तविक, करणी में अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो वह अवास्तविक संख्याएं बोली जाती हैं। चलिए, यह आपने समझ लिया। अब प्राकृतिक संख्याओं के कुछ और पार्ट, मतलब जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो गिनी जा सकने वाली प्राकृतिक संख्याओं के कुछ और प्रकार हमने यहाँ पर लिए हैं, सम संख्या, विषम संख्याएं, यौगिक, भाज्य, रोड, अभाज्य, सह अभाज्य, सबको समझेंगे। तो कैसी प्राकृतिक संख्याएं सम होंगी, इवन, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, ठीक है, सम को इंग्लिश में इवन, प्राकृतिक को नेचुरल और संख्याओं को नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए, जो संख्याएं दो से विभाज्य हो, जो संख्याएं दो से कट जाएं, वे आपके सम प्राकृतिक संख्या होते हैं। जैसे दो हो जाए, जैसे चार हो जाए, जैसे छह हो जाए, जैसे बारह हो जाए, जैसे चौबीस हो जाए, जैसे सौ हो जाए, ये सबके सब दो से कट जाते हैं, इसलिए सबके सब जो है सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो सिंपल है,
उसके बाद आएगा आपका विषम प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, प्यार सी बात है, जो संख्याएं दो से ना कटे, अर्थात जिनको दो से काटने पर शेष मिल जाए, वो पूरा ना कटे, वो विषम होगा। जैसे 3 हो जाए, जैसे 5 हो जाए, जैसे 17 हो जाए, जैसे 25 हो जाए, जैसे 51 हो जाए, ये सबके सब क्या है, विषम नंबर है, विषम संख्याएं। राइट, बस देखते चलिए, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, और डेफिनेशन आप हो सके तो लिखते चलिए। ठीक है, यौगिक या भाज्य संख्याएं, अब यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या है, यौगिक या भाज्य संख्याओं को पहले अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या फिर कंपोजिट बोलते हैं, कुछ यौगिक को कंपाउंड, इसको कंपोजिट। ठीक है, बात वही है। तो देखिए, जो संख्या एक, मैं क्या बोला, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त, नोट करो इसे, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, वे आपकी यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका 6, ये एक और स्वयं के अलावा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए आपका यौगिक या भाज्य है। 12, ये एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं से कट जाएगा, इसलिए यह भी आपका भाज्य संख्या है। जैसे 14, जैसे 16, जैसे 8, जैसे 9, 9 भी एक और अपने से अतिरिक्त 3 से भी कट जाता है, इसलिए यह भी आपका यौगिक या भाज्य संख्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, रूढ़ या अभाज्य संख्या, पहले डेफिनेशन ध्यान दें, डेफिनेशन रूढ़ या अभाज्य संख्याओं की क्या होती है, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, सुन लो समझ लो, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, उन्हें हम रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी तो बताया ही नहीं, अंग्रेजी जान लो बच्चों, अंग्रेजी होता है प्राइम, इसका प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, वो होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब जैसे 3 हो जाए, जैसे खुद 2 भी हो जाए, ठीक है, जैसे आपका 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 17 हो जाए, 23 हो जाए, 29 हो जाए, ये सब एक और अपने के अलावा और किसी भी संख्या से कटने वाले नहीं है, इसलिए सबके सब रूढ़ हैं या फिर अभाज्य हैं या फिर प्राइम हैं, ध्यान दें। ठीक है, एग्जांपल से आप लिखे जा रहे हैं, लिख लीजिए लास्ट वाला, लास्ट वाला लिखा है सह अभाज्य संख्याएं। बच्चों सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, इंग्लिश में को लगा दीजिए, अभाज्य का तो प्राइम होता है, तो को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं दैट मींस को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दें, जैसे मैंने लिया 3 और 5, जैसे मैंने लिया 4 और 9, ठीक है, जैसे मैंने लिया मान लीजिए 3 और 7, तो देखो यह तो पता है ना कि सहभाज्य संख्या जब भी बोली जाएगी वो जोड़े में आएंगी, देख लीजिए जोड़े में आ रही है, ठीक है, तो ये तो युग्म होंगी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अरे वो शादी वाला भी प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, फिर से ध्यान दो, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मसा एक हो। अब मसा एक होने का क्या मतलब, मतलब जो एक के अलावा किसी से ना कटे, वो जोड़ा एक के अलावा और किसी की संख्या से ना कटे, तभी तो उसका मसा एक होगा। ठीक है, जिसका मसा एक होगा वो एक के अलावा किसी से नहीं कटता। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मसा एक हो वह आपका सहभाज्य संख्याएं कहलाता है।
प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मास एक होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है या कहलाती है। एक उदाहरण के लिए 3, 5, क्योंकि 3 और 5 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 9, 4 और 9 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये तो 2 से कट जाएगा 3 से कटेगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एक के अलावा क्या किसी संख्या से दोनों कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यह भी है आपका 3 और 7 में भी वही चीज है। अब देखिए एक बात यहां पर हमें बताना है, एक बहुत ही प्रमुख नोट है। ये जो नंबर 1 यहां पर लिखा है, यह ना तो भाज्य होता है बच्चों और ना ही अभाज्य। हमेशा याद रखना, 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो बच्चों आज हमने प्राकृतिक संख्याओं के लेक्चर नंबर 1 में ये सारी संख्याओं की डिटेल समझा दी। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। मैं लास्ट में आप सभी से यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन यह जरूर करें कि जो बच्चे हाई स्कूल में इस साल पहुंच चुके हैं और वो थोड़ा सा कमजोर भी हैं, तो आप उन तक प्लीज यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम आपकी डेली मतलब कि हाई स्कूल मैथ और साइंस में हेल्प करते रहेंगे। तो अगली क्लास के लिए आप इंतजार करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।